नाहन पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 15 अगस्त को नाहन से फरार सेंट्रल जेल के कैदी मुकेश कुमार को पंजाब के नवा शहर में धर दबोचा है। मुकेश कुमार नाम का ये कैदी नाहन जेल में दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल की सजा काट रहा है। 15 अगस्त को यह कैदी उस समय फरार हो गया था जब एक जेल कर्मी इस कैदी को आंखों के चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रहा था। इस मामले में जेल कर्मी के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, क्योंकि अपने स्तर पर ही यह जेल कर्मी इसको चेकअप करने के लिए ले जा रहा था। यह कैदी पंजाब के जालंधर का रहने वाला है, लिहाजा नाहन पुलिस पंजाब में पूरी नजर बनाए हुई थी और आखिरकार पंजाब से ही कैदी को पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस अधिकारी की माने तो टेक्निकल सर्विलेंस कैदी को पकड़ने में मददगार साबित हुई। यह पहला मामला नहीं है जब नाहन सेंट्रल जेल से कोई कैदी फरार हुआ हो। हालांकि कैदी को पकड़ने के बाद पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है। ये मुकेश नामक अपराधी है जो बलात्कार के केस में मॉडल सेंट्रल जेल नाहन में सजा काट रहा है। ये 15 तारीख को यहाँ से चिकित्सा परीक्षण के लिए यहाँ पे आया था, जहाँ से जेल वार्डर उसको साथ लेके आए थे, लेकिन उनकी कस्टडी से वो फरार हो गया था। और उसके बाद जेल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद उसकी इसमें मुकदमा रजिस्टर किया गया और तुरंत टीम्स यहाँ से भेजी गई। तो उन टीम्स ने अपनी सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने के पश्चात और टेक्निकल सर्विलेंस का भी इस्तेमाल करते हुए 19 तारीख को उसको नवा शहर से गिरफ्तार कर लिया है और हमारी टीम उसको लेके नाहन आ गई है। आज उसको न्यायालय में पेश किया। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बाजार लेकर आया है एग्जीबिशन कम सेल पूरे भारत से, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से वह विशाल प्रदर्शनी नई रेंज के साथ, जहां आपको मिलेगी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और बच्चों की ज्ञानवर्धक पुस्तकों की प्रदर्शनी, बच्चों के खिलौने, सहारनपुर फर्नीचर, रेडीमेड गार्मेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी व अन्य बहुत सारी वैरायटी आपका इंतजार कर रही है। सोलन क्राफ्ट बाजार सुबह 10 से शाम के 9 बजे तक, मुरारी मार्केट दमोल रोड सोलन। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।